नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है खून की बारिश। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आधी रात का समय था, किशोरलाल क्लब से वापस घर लौट रहा था। अरे, ये सड़क के बीचों बीच कौन पड़ा है? उसके निकट कार रोककर, ओह ये तो बेहोश है। ओह, इसे होश आ रहा है। क्या हुआ बाबा, यहाँ कैसे गिर पड़े? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर आ गया था। तुम जरा मेरी मदद करो, नजदीक ही मेरा घर है, मुझे वहां पहुंचा दो। किशोरलाल भला व्यक्ति था, वो बूढ़े को उसके घर ले आया। उधर बिस्तर पर लिटा दो मुझे। बेटा जरा उस संदूक में से मेरा कम्बल निकाल दो। अच्छा बाबा। जैसे उसने ट्रंक खोलकर कंबल उठाया, ओह ये अजीब सी गुड़िया कैसी है। ये लगभग 5 इंच की एक छोटी सी गुड़िया थी, और आश्चर्य की बात ये थी कि वो गुड़िया हीरो की बनी हुई थी। उसके बनाने में 3 बड़े हीरे इस्तेमाल किए गए थे। उन हीरों को तराश कर आपस में इस तरह जोड़ा गया था कि गुड़िया की आकृति बन गई थी। इस गुड़िया को वहीं रख दो बेटा, ये मनहूस है। ये गुड़िया तुम्हारी है बाबा? हाँ ये मेरी है, मगर ये तो बहुत कीमती है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुमने ठीक कहा, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत लाखों में मिल सकती है, लेकिन जब से ये मेरे पास आई है मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, मुझे इस गुड़िया के विषय में कुछ बताओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी और इस गुड़िया की कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम उत्तम सिंह है। 20 वर्ष पहले मैं एक संपन्न परिवार का सदस्य था। हम 3 भाई थे जिसमें मैं सबसे छोटा था। गांव में हमारी खेती बाड़ी थी, लेकिन मैं पढ़ने के लिए शहर चला आया था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, अतः एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तिब्बत की सैर का प्रोग्राम बनाया और हम तिब्बत के दुर्गम और रहस्यमय पहाड़ों में जा पहुंचे। कुछ मजदूर और एक गाइड जिसका नाम सिकाई था हमारे साथ थे। सिकाई के नेतृत्व में हम एक पहाड़ की ओर जा रहे थे। चलते चलते हम एक मैदान में पहुंच गए। सिकाई, क्या ये दोनों रास्ते ऊपर जाने के लिए हैं? हाँ साहब, लेकिन ये पगडंडी वाला छोटा रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों, उस रास्ते पर क्या है? साहब, यहाँ के लामाओं का मानना है कि ये रास्ता बहुत मनहूस है। इस मार्ग पर एक पहाड़ी गुफा है जिसमें दुर्भाग्य के देवता की मूर्ति स्थापित है। सब बकवास बातें हैं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। हम इसी रास्ते से चलेंगे। नहीं साहब, हम इस मार्ग पर नहीं जा सकते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सिकाई और दूसरे मजदूर उस रास्ते पर चलने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन मैं भी जिद्दी स्वभाव का था, मैंने उस मार्ग पर जाकर देखने का निर्णय कर लिया कि और उसी मैदान में पड़ाव डलवा दिया। रात को मैंने अपने दोनों मित्रों से भी चलने की बात की। हम तीनों पैदल चलकर देखाते हैं कि ऊपर क्या है। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सुबह तक लौट आऊंगा। मत जाओ उत्तम, रुक जाओ। मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उस मार्ग पर चल पड़ा। काफी चढ़ाई करने के बाद जब मैं एक मोड़ पर घूमा, ओह ये क्या है, बड़ी अजीब गुफा है, अंदर रोशनी भी है, शायद इसके भीतर कोई रहता है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और मेरे कानों से एक स्वर टकराया, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। साए, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझा और उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। ये मसाले, अवश्य यहाँ कोई इंसान रहता है। गुफा एक गोल कमरे जैसी जगह पर जाकर समाप्त हो गई थी। ओह मूर्ति, लेकिन वहां कोई नहीं था। मूर्ति को निकट से देखने के लिए मैं उसकी ओर बढ़ा। सिकाई शायद इसी मूर्ति को दुर्भाग्य का देवता कह रहा था। ओह ये इसकी छाती में क्या चमक रहा है? हे भगवान, ये तो हीरो की गुड़िया है, तभी इस तरह चमक रही है। इतने बड़े हीरे तो लाखों के होंगे। मूर्ति की छाती से गुड़िया निकालने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि फुस, ओह सांप को देखकर मैंने पिस्तौल निकाली और धाएं।
सांप को मारकर मैंने मूर्ति की छाती से गुड़िया बाहर निकाल ली। गुड़िया मेरे हाथ में आते ही सुरंग में इतनी तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जैसे बहुत से पत्थर आपस में टकरा रहे थे। घर, ओ ये क्या हुआ? तभी अचानक वहां जल रही मसाले अपने आप बुझ गई। भक, उफ, मैं घबरा कर बाहर की ओर भागा। मैं जहां जहां से गुजरता जा रहा था मेरे पीछे मसाले अपने आप जलती जा रही थी। और फिर मैं सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आया। बहुत कीमती चीज हाथ लगी है। गुड़िया पाने की खुशी में मैं सुरंग में पेश आ गुड़िया पाने की खुशी में मैं सुरंग में पेश आने वाली रहस्यमय घटनाओं को भूल गया और तुरंत ही अपने कैंप की ओर वापस चल पड़ा। मैं इस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इसे मैंने हासिल किया है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी रुक जाओ, ओह लाओ वो गुड़िया मुझे दे दो। तुम उसे यहां से नहीं ले जा सकते। तुम कौन हो? सवाल मत पूछो, वो गुड़िया मुझे दे दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई तो वो गुड़िया यहां से ले जाने में है। उसे बेचकर मैं लाखों रुपए प्राप्त कर सकता हूं। ये कहकर मेरा रास्ता छोड़ो। उफ, धाड़! उसे गिराकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। भिक्षु मुझे आवाज देता रह गया, लेकिन मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और गिरता पड़ता अपने कैंप तक जा पहुंचा। मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। उत्तम सिंह, तुम आ गए? हाँ, आ गया। क्या देखा ऊपर जाकर? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और थकान का बहाना बनाकर अपने टेंट में जाकर लेट गया। सुबह होते ही मैं सबसे वापस चलने को कहूंगा, क्योंकि इस कीमती गुड़िया को साथ लेकर उन पहाड़ों में भटकना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद कोई आहट सुनकर मेरी आंखें खोली। ओह तुम, हाँ मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि सिंघाल ने कड़ी तपस्या की थी, तब उसकी प्रेमिका मोरना उसे मिली थी। तुम मोरना को सिंघाल से जुदा नहीं कर सकते। तुम किस मोरना की बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुम सिंघाल की प्रतिमा की छाती से निकाल कर लाए हो। सिंघाल की कहानी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं। उसने पूरे जीवन मोरना को चाहा, लेकिन हीरे जैसी मोरना कुरूप सिंघाल की ओर आकर्षित नहीं हुई। तब सिंघाल ने प्रार्थना की कि मोरना उसे मिल जाए, चाहे उसका जीवन छीन लिया जाए। फिर मोरना उसे मिल गई, लेकिन वो स्वयं पत्थर का बन गया। तब मोरना भी गुड़िया बनकर उसकी छाती में समा गई। तुमने मोरना को सिंघाल की छाती से निकालकर घोर पाप किया है, उसे वापस कर दो। बंद करो ये बकवास, मेरे पास कोई मोरना वोरना नहीं है। निकल जाओ यहां से, वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं, मगर इतना सुन लो, सिंघाल दुर्भाग्य का देवता है। तुमने उसका दिल चुराया है, वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसे वापस कर दो। निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। जाता हूं, मगर अब तुम सिंघाल के कहर से नहीं बच सकोगे। फिर मैं अपने साथियों के साथ वापस आ गया। वापस आकर मैं सीधा अपने भाइयों से मिलने गांव पहुंचा। तिब्बत से हमारे लिए क्या लाए चाचा? हीरो की गुड़िया लाया हूँ। क्यों बच्चों से मजाक कर रहे हो देवर जी? मेरी अच्छी भाभियों, मेरे पास सचमुच हीरो की एक गुड़िया है। हम्म, भला हीरो की गुड़िया भी कहीं होती है? मैंने उन्हें गुड़िया दिखाई। अरे हाँ, ये तो सचमुच हीरो की है। तो मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा था भैया, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? बस मिल गई, कभी फुर्सत में इसके मिलने की कहानी सुनाऊंगा। लाओ अब मुझे इसे दे दो। और उस रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, धड़ धड़, उत्तम दरवाजा खोलो। ये तो अमर भैया की आवाज है। क्या बात है भैया? उत्तम, तो वो जो गुड़िया लेकर आया है मनहू से, उसे यहां से निकाल दे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो भैया? तुमसे किसने कहा कि गुड़िया मनहूस है? उत्तम, मैंने अभी एक बड़ा डरावना सपना देखा। सपने में एक बहुत भयानक शक्ल के आदमी ने मुझसे कहा, उस गुड़िया को घर से निकाल दो, उस गुड़िया के कारण तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आने वाली है। तुम भी अजीब हो अमर भैया, सपना देखकर डर गए? जाओ जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा। उत्तम सुनो तो, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। अगले दिन जब अमर भैया खेत पर गए, अरे ये हमारे खेत में किसका बैल घुसा हुआ है? हे हिस हिस, भाग भाग! मगर बैल ने भागने की बजाय पलटकर हमला कर दिया। घूम, ओ ये तो बिगड़ गया है। घबराहट में अमर भैया को ठोकर लगी। धड़, आ, और खचाक, आई!
अमर भैया की लाश जब घर आई तो कोहराम मच गया। स्वामी, अपने भाई के इस दर्दनाक मौत को मैंने मात्र दुर्घटना ही समझा था। इसके एक सप्ताह बाद, गोपाल, मैं ये किसी पानी में छोड़ कर आता हूँ। किस्ती छोड़ते हुए अचानक शंकर के पांव फिसला। घबरा मत शंकर, मैं आ रहा हूँ। गड़प छपाक। गोपाल थोड़ा बहुत तैरना जानता था, मगर शंकर ने उसे कुछ इस तरह पकड़ दिया था कि वो भी गोते खाने लगा था। गड़प गड़प, और वो दोनों डूब गए। घबरा, अपने मासूम भतीजों की अर्थियों को कंधा देते हुए मुझे उस गुड़िया की मनहूसियत का विचार नहीं आया था। इसके कुछ ही दिन बाद रतन भैया मेरी दोनों भाभियों के साथ ट्रैक्टर पर अपने ससुराल जा रहे थे। एक मोड़ पर ओह, लेकिन वो स्टेयरिंग पर नियंत्रण खो बैठे। धड़ाम आई हाय, तीनों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। इस घटना के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। एक सुबह गांव का जमींदार मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ कागजात दिखाए। तुम्हारे भाइयों ने अपनी जमीन और ये मकान मेरे पास गिरवी रखकर एक बड़ी रकम उठाई थी। अब वो दोनों तो नहीं रहे, या तो मेरा कर्ज चुका दो या फिर जमीन और मकान का कब्जा मुझे दे दो। कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास रकम तो थी नहीं, और अब गांव में मेरा कोई रह भी नहीं गया था। इसलिए मैंने जमीन और मकान जमींदार के हवाले करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी रात जब मैं सो रहा था, धड़ धड़, ओ कोई खिड़की पर है। मैंने उठकर खिड़की खोली, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कैसे हो उत्तम सिंह, तुम? हाँ, मैं तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने आया हूँ। याद है मैंने कहा था, मोरना जिसके पास रहेगी वो बर्बाद हो जाएगा। मोरना? हाँ उत्तम सिंह, जब तक वो तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। उसे वापस पहुँचा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहा भिक्षु अचानक गायब हो गया था। ओह, चला गया। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि वो वाकई में मनहूस थी। ये सब इसी गुड़िया के कारण हुआ है। मैं अब इसे अपने पास नहीं रखूंगा। कल ही शहर जाकर इसे किसी के हाथ बेच दूंगा। अगले दिन मकान और जमीन जमींदार को सौंप कर मैं शहर चला आया और सीधा एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। ओह, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो, तुम इसे खरीद रहे हो या नहीं? मैं चोरी का माल नहीं खरीदता, भाग जाओ यहाँ से। ये चोरी की नहीं है भाई, मेरी अपनी है। मैं आजकल मुसीबत में हूँ, इसलिए इसे बेचना चाहता हूँ। और उस जौहरी ने मेरी मजबूरी का पूरा पूरा लाभ उठाया। अच्छा ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ, लेकिन 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। 50,000? उस हालत में मेरे लिए 50,000 भी बहुत थे, और उस मनहूस गुड़िया से पीछा छूट रहा था, इसलिए मैं राजी हो गया। उसी रात जब वो जौहरी दुकान से अपने घर लौट रहा था, आज बहुत बढ़िया चीज़ हाथ लगी है, असली हीरो की वो गुड़िया लाखों रुपये की बिकेगी। कल से ही उसके लिए ग्राहक की तलाश करता हूँ। तभी, ये कौन है? तू अपनी मौत खरीद कर ले जा रहा है मूर्ख, वो गुड़िया तेरी बर्बादी का कारण बन जाएगी। जा उसे उत्तम सिंह को वापस कर दे। क्या बक रहे हो, कौन हो तुम? मैं सिंघाल का सेवक हूँ, उसकी प्रेमिका मोरना इस वक्त तेरे पास है, इसलिए तुझे चेताने आया हूँ कि तू नष्ट हो जाएगा। अगर बर्बादी से बचना चाहता है तो हीरो की वो गुड़िया उत्तम सिंह को लौटा दे। मगर जौहरी ने भिक्षु की बात पर ध्यान नहीं दिया और गुड़िया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पागल है साला, मगर इसे कैसे पता चला कि मैंने कोई गुड़िया खरीदी है? मेरी बात मान ले मूर्ख। और उसी रात जब जौहरी अपने स्टडी में बैठा कुछ हिसाब किताब लगा रहा था, थप थप, ओह, ये खून कहाँ से आया? तभी सरला, वो बेडरूम में पहुंचा। स्वामी, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हुआ सरला? मुझे बचा लो स्वामी, पता नहीं ये खून क्यों निकल रहा है। तभी कमरे में एक स्वर गुंजा, ये खून नहीं, सिंघाल के आंसू हैं। वो मोरदा की जुदाई से दुखी होकर खून के आंसू रो रहा है। ओह, ये कौन बोल रहा है स्वामी? अभी भी समय है, मेरी बात मान लो जौहरी, गुड़िया उत्तम सिंह को वापस कराओ। ओह, तुम तो वही हो, भिक्षु के प्रकट होते ही सरला के हाथों से बहने वाला खून थम गया था। स्वामी, मैं ठीक हो गई। सिंघाल ने तुम्हें एक अवसर दिया है जौहरी, सुबह तक तुमने गुड़िया उत्तम सिंह को वापस ना की तो ये खून फिर से बहने लगेगा, और फिर मौत, सिर्फ मौत।
नहीं, मैं वो गुड़िया वापस कर दूंगा, तो जाओ अभी जाकर उस गुड़िया को वापस कर आओ। उत्तम सिंह का पता मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक होटल में ठहरा हुआ था, आधी रात के समय जौहरी वहाँ आ पहुँचा और गुड़िया मेरे बेड पर फेंक दी। संभालो इस खूनी गुड़िया को और मेरी रकम वापस करो। उसने मुझे अपने साथ घटी सभी घटनाएं भी सुनाई दी थी। बस तभी से मनहूस गुड़िया मेरे पास है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूं। इसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कई बार इसे गटर में फेंका, समुद्र में डाला, लेकिन हर रात यह अपने आप मेरे पास पहुंच जाती है और अधेड़ उम्र में ही मैं बूढ़ा हो गया हूं। किशोर लाल को इस कहानी पर विश्वास नहीं आया था। उत्तम सिंह को दीवाना समझते हुए उसने उस कीमती गुड़िया को हासिल करने का मन बना लिया। सुनो बाबा, अगर तुम इस गुड़िया से इतने ही परेशान हो तो इसे मुझे दे दो। मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम इस मनहूस गुड़िया को ले जाना चाहते हो? हाँ बाबा, और मैं तुम्हें इसकी कीमत भी दूंगा। मेरे पास इस वक्त जितनी भी रकम है सब तुम ले लो। ठीक है, किशोर लाल ने अपनी जेब खाली कर दी और गुड़िया लेकर रवाना हो गया। वो बूढ़ा सचमुच पागल था, कहीं से उसके हाथ वो गुड़िया लग गई होगी और दीवानेपन में उसने इसे मनहूस समझ लिया। खैर जो भी है, अब ये गुड़िया मेरी है, मैं इसे बेचकर तगड़ा धन कमाऊंगा। तभी तुम बहुत बड़े मूर्ख हो किशोर लाल। आए कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं दुर्भाग्य के देवता सिंघाल का सेवक हूँ। उत्तम सिंह ने तुम्हें मेरे विषय में बताया था ना? ओह, तो वो बूढ़ा सच कह रहा था? हाँ, और ये सच जानकर भी तुमने सिंघाल की प्रेमिका पर बुरी नजर डाली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर भिक्षु ने अपने हाथ इस तरह आगे बढ़ाए जैसे किशोर लाल का गला पकड़ना चाहता हो। नहीं, जूम धाड़ धड़ाम। राजकुमार नामक एक व्यक्ति अपने कार में वहां से गुजर रहा था। ओह, एक्सीडेंट हुआ है? वो कार के निकट पहुंचा। उफ, ये तो खत्म हो गया। ओह, ये क्या चीज है? हे भगवान, ये तो हीरे हैं। आहा, हीरो की गुड़िया। अगले ही पल उसके मन में लालच ने सिर उभारा और गुड़िया जेब में रखकर वो अपनी कार की ओर चल दिया। यहां से जल्दी निकल लेता हूं। भीतर बैठने के लिए जैसे जैसे उसने दरवाजा खोला, फुस। राजकुमार घबरा कर पीछे हटा तो कोबरा भी कार से बाहर निकल आया। फुस, राजकुमार घबरा कर भाग खड़ा हुआ। ये कहां से आ गया? तभी धड़, ओ बचाओ, सांप सांप। तू चोरी करके भाग रहा था इसलिए ये सांप तेरा पीछा कर रहा है। तूने जो चीज चुराई है क्या तुझे उसकी अपने प्राणों से भी अधिक आवश्यकता है? क्या कह रहे हो तुम? क्या चुराया है मैंने? इसे बता दो नागराज। फुस, अगले ही पल कोबरा उछला और अब बोल, तूने चोरी की है या नहीं? हाँ, मुझे इस सांप से बचाओ, मैं वो गुड़िया वापस कर दूंगा। इसे छोड़ दो नागराज। ओ, फिर वो सांप ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ निकट में उत्तम सिंह नामक एक व्यक्ति रहता है। मैं तुझे उसका पूरा पता देता हूँ। तेरे पास जो गुड़िया है वो अभी जाकर उसे दे आ। ठीक है। राजकुमार उसी समय उत्तम सिंह के घर जा पहुंचा। ये गुड़िया संभालो। ओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये गुड़िया जिस व्यक्ति के पास थी वो कार एक्सीडेंट में मर गया। गुड़िया मुझे मिली मगर तुरंत ही मेरे साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी और फिर एक बौद्ध भिक्षु ने प्रकट होकर मुझे आदेश दिया कि मैं वो गुड़िया तुम्हारे पास पहुंचा दूं। गुड़िया उत्तम सिंह के हवाले करके राजकुमार वहां से चला गया। उत्तम सिंह भीतर आकर चारपाई पर बैठकर रोने लगा। मेरी मुसीबत फिर वापस लौट आई है, शायद ये जीते जी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तो इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। गुड़िया उसने तकिए के नीचे रख दी और एक रस्सी उठा लाया। मौत ही मुझे इस मनहूस गुड़िया से मुक्ति दिला सकती है। अगली सुबह, ओ, कुछ ही देर में पी घर की तलाशी लेते जैसे इंस्पेक्टर ने चारपाई पर रखा तकिया हटाया। अरे ये क्या है? इंस्पेक्टर तुरंत ही समझ गया था कि वो कोई अमूल्य चीज है। उसने चुपके से वो गुड़िया अपनी जेब में रख ली। दोपहर को घर पहुंचकर इंस्पेक्टर विक्रम ने गुड़िया को अपनी जेब से निकाली। इतनी कीमती चीज उस बूढ़े के घर में कहाँ से आई होगी? ये तो लाखों का माल है। अगर इसे हिंदुस्तान से बाहर ले जाकर बेचा जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हांगकांग में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है।
अगले दिन ही इंस्पेक्टर विक्रम ने नौकरी से छुट्टी ले ली और हांगकांग के लिए रवाना हो गया। उस रहस्यमय भिक्षु ने विक्रम सिंह के विमान को उड़ते देखा और मुस्कुरा पड़ा। मोरदा ने अपनी वापसी की यात्रा आरंभ कर दी है। हांगकांग पहुंचकर विक्रम सिंह वहां के एक अपराधी चांग से मिला। मेरे पास हीरो की बनी एक गुड़िया है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, गुड़िया दिखाओ। गुड़िया देखकर चांग की आंखें फैल गई। ओ बहुत शानदार चीज है, क्या कीमत चाहते हो? 5 लाख अमेरिकन डॉलर। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 1 लाख दे सकता हूँ, तुमसे सौदा नहीं पटेगा। और विक्रम सिंह वापस चल दिया। उसके बाहर जाते चांग ने टेलीफोन उठाकर किसी को आदेश दिया, एक हिंदुस्तानी अभी अभी मेरे घर से बाहर निकला है, उसके पास एक कीमती गुड़िया है, उसे घेर कर गुड़िया छीन लो। ओके बॉस। विक्रम सिंह एक गली से गुजर रहा था कि ओह वो गुड़िया निकालो, ओह ये गुंडे चांग ने भेजे हैं। विक्रम सिंह खूब लड़ना जानता था। ढिसुम आ ताड़ आई याहू आ धाड़। विक्रम सिंह ने उन दोनों में से एक गुंडे को पकड़कर उठाया और उसे उसके साथियों पर उछाल दिया। धाड़। फिर उसने पलटकर भागना चाहा, लेकिन खचाक आह मर गया साला। कुछ देर बाद वो गुड़िया चांग के हाथों में थी। 5 लाख डॉलर मांग रहा था साला। अगले दिन चांग ने वो गुड़िया प्राचीन कलाकृतियों के एक दलाल को दिखाई। वांचू देखो क्या शानदार चीज लाया हूँ, इसे बिकवा दो, सचमुच शानदार है, लेकिन इसका ग्राहक आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इतने महंगी चीज खरीदना हर किसी के बस का रोग नहीं है। मैं तुम्हारी ये गुड़िया बिकवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें हमें सिंकियांग जाना होगा। सिंकियांग? वो तो तिब्बत में है। हाँ वही एक व्यापारी रहता है जो प्राचीन कलाकृतियों की मुहमांगी कीमत देता है। अगर तुम कहो तो मैं यात्रा का प्रबंध करूँ। अच्छी कीमत पाने के लालच में चांग सिंकियांग जाने के लिए राजी हो गया। हेलीकॉप्टर द्वारा वो सिंकियांग के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर का किराया मैं तुम्हारे कमीशन में से काट लूँगा वांचू, ठीक है? लंबी यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर पहुंचा। तिब्बत के ये पहाड़ सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। हाँ इन पहाड़ों से सैकड़ों रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई है। हम कब तक सिंकियांग पहुंच जाएंगे? तुम नहीं, वहां सिर्फ मैं पहुंचूंगा। लाओ वो गुड़िया मुझे दे दो। वांचू क्या तुम पागल हो गए हो? गुड़िया निकालो वरना शूट कर दूंगा। अच्छा देता हूँ। फिर अचानक चांग ने उसके रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। कमीनी ओह। दोनों ही पिस्तौल के लिए संघर्ष कर रहे थे। ओह उफ। अचानक धाएं। पायलट के मरते ही हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। ओह आई। फिर वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से जा टकराया। धड़ाम। हेलीकॉप्टर का मलबा सिंगाल के गुफा के बाहर आकर गिरा था। चांग की जेब से वो गुड़िया भी निकलकर बाहर आ गिरी थी। तभी गुफा के मुहाने से वो भिक्षु बाहर आया। ओह मोरदा लौट आई। गुड़िया उठाकर वो गुफा के भीतर ले आया और उसने सिंगाल की छाती में स्थापित कर दिया। मोरदा वापस आ गई है सिंगाल, तेरा प्रेम अमर है, मोरदा को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।